सरकार को मोटा राजस्व देने वाला आबकारी विभाग आज अपनी नीतियों का शिकार हो रहा है। यही कारण है कि लॉकडाउन लगने के बाद खुली शराब की दुकान के स्वामी शराब पर अधिभार शुल्क कम करने और पंजाब तथा उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कोटा प्रणाली खत्म करने की मांग पर एक दिन की हड़ताल पर रहे। इस दौरान जिले भर के साथ साथ काशीपुर में भी शराब की दुकानें बंद रही। हड़ताल के दौरान शराब कारोबारियों ने चेतावनी दी कि अगर सांकेतिक दुकान बंदी के बावजूद भी सरकार नहीं चेती तो वे बेमियादी दुकानें बंद करने का निर्णय लेंगे। शराब कारोबारियों का कहना है कि देसी और अंग्रेजी शराब की दुकानें बीते 19 मार्च को लॉटरी सिस्टम से आवंटित की गई थी। इसकी लाइसेंस रिन्यूअल फीस भी जमा कर दी गई है। जो दुकानें अप्रैल में खुलनी थी वे लॉकडाउन के कारण 4 मई को खोली गई। जिले की सीमाएं सील होने के कारण सभी कार्यवाही नहीं हो पा रही। शराब बिक्री पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। शराब कारोबारी वरुण अग्रवाल के मुताबिक इस मामले में देहरादून के शराब कारोबारी आबकारी सचिव से मिले थे तो वहीं कुमाऊं के शराब कारोबारी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदेश से मिले थे। दोनों ही जगह से पुख्ता आश्वासन मिलने के बाद कारोबारियों ने एकमत होकर एक दिन ही हड़ताल का निर्णय लिया है तो वहीं आगामी 24 मई के बाद अनिश्चितकालीन पर जाने का निर्णय लिया है। हम सब लोग कल कुमाऊं का जो पूरा प्रतिमंडल था वो सब इकट्ठा हुआ था, उसमें देहरादून से भी काफी लोग गए थे, हम भी गए थे। हमारे प्रतिमंडल ने जो है माननीय नेता प्रतिपक्ष इंदिरा जी से मुलाकात करी थी, तो नेता प्रतिपक्ष ने माननीय मुख्यमंत्री जी से टेलीफोनिक वार्तालाप करी थी। तो उसमें उन्होंने भी ये कहा, नेता प्रतिपक्ष को ये कहा था कि हम सबसे कहिए कि कारोबार करते रहें, हम कोई ना कोई उचित रास्ता निकालते हैं। दूसरा, कल हमारे जो गढ़वाल के प्रतिमंडल है वो भी सब क्या नाम है जो आयुक्त हैं हमारे आबकारी के, उनके पास गए थे हम। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि 24 तारीख तक जो है आप लोग धैर्य रखें, 24 तारीख तक हम इसको कोई रास्ता निकालते हैं। पहले तो हम लोगों ने ये फैसला लिया था कि हम 15 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, लेकिन जब ये सारे आश्वासन कल हमें प्राप्त हुए हैं मौखिक, तो हमने ये फैसला लिया है हमारे प्रतिमंडल ने कि हम 24 तारीख के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं। हमारे लिए कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, हमें अधिभार में छूट नहीं दी जाती है, पिछले अधिभार की जो हमारी बात लगातार है उसमें भी कोई निर्णय नहीं आया है, तो उसके बाद फैसला लेंगे। अभी आज हमने सांकेतिक हड़ताल करी है एक दिन की, कल से दुकानें खोलेंगे। जैसा कि अभी हमने आपने मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि हमारे राजस्व को लेकर सरकार के कानों पे जू नहीं रोंग रही है, इसके लिए सारे ठेकेदारों ने इकट्ठे होकर आज कुमाऊं की सारी दुकानें बंद करने का निर्णय लिया था निश्चित कमी समय के लिए। लेकिन कल नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदेश जी से हमारे कुमाऊं के सभी ठेकेदार मिले थे और उन्होंने दूरभाष पे मुख्यमंत्री महोदय से बात भी करी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में उन्हें आश्वासन भी दिया है और उसके बाद गढ़वाल के हमारे सारे देहरादून के ठेकेदार उच्च अधिकारी हमारे आनंद वर्धन जी से मिले थे, जिन्होंने 24 तारीख तक कोई ना कोई हमारे हित में निर्णय लेने का फैसला उन्हें दिया है। तो इस अनिश्चितकालीन जो हड़ताल थी हमारी 24 तारीख तक के लिए स्थगित करी जा रही है और 24 तारीख के बाद उन्होंने कहा है आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल को 24 तारीख तक जाएंगे अगर हमारे हितों को ध्यान में नहीं रखा जाता।